सो ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम मोहम्मद अवेस एंड आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल हियर इन टुडेज ऑनलाइन सेशन. एंड एज यू ऑल नो दैट एसईओ ब्रिंग्स डिफरेंट डिफरेंट सेशन, वेदर इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी स्कॉलरशिप अवेयरनेस और एनी अदर अवेयरनेस रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, गर्ल्स एजुकेशन एंड ऑल दैट. इन द सेम वे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड एन important session, and that's all about emotional intelligence. And in today's session we'll be having the guest speaker, Miss Ruksana Ali. She's a counseling psychologist at Aisha General Hospital. She's a CEO of the Celebrate the Life Mental Health Awareness Organization. So she will be having the session on emotional intelligence. So without having any further delay, we'll be heading to our guest speaker for the further proceeding of session. So over to you, Ms. Ruksana. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Avez for this brilliant introduction. आप सबको पहले मुझे ये क्लियर कर दें, आवाज आ रही है? इस बार अभिका यस नूर ठीक है. यस ओके ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Assalamu alaikum everyone. You know about me that I'm a counseling psychologist at Aisha General Hospital. So today I'm telling you little bit about emotional intelligence. ठीक है, इस session को start करने से पहले हम ये आप लोग सबसे मेरा question है कि emotional intelligence according to you क्या है, और वो मुझे answer audio में देना है. Come on everyone. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, yes, I'm here. You better? Yes. Yes, you're audible. Just answer the question directly. I think emotional intelligence is being emotionally strong, understanding each other's emotion. ठीक है, understand each other emotions. ठीक है, इसके अलावा? मैम यही है कि हम लोगों को उनके expression के through ये हम जान सकें कि वो जो अंदर है या बाहर है उनके क्या है, आर दे हर्ट, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम अपना हमारे इमोशंस पे हमारा खुद का कंट्रोल हो. ठीक है ठीक है. इसके अलावा कोई जवाब देना चाह रहा है? Alright, assalamu alaikum. So I would actually define emotional intelligence as an ability to actually regulate and understand your emotions as well as others' emotion. For the sake of self-awareness and to actually understand what people are thinking and how we are thinking and how we should actually manage and regulate our emotions accordingly. Okay, manage and regulate the emotions of ourselves and others. ठीक है. इसके अलावा? Okay, assalamu alaikum. So in my opinion, emotional intelligence is a kind of ability to understand your emotions and, you know, like managing your emotions, and also when you are being empathetic with others, like you are understanding others' emotions too. So that is called the emotional intelligence. Thank you. Okay, ठीक है. सबने जो है आंसर बहुत अच्छा दिया है, थोड़ा बहुत सबको क्लियर है कि व्हाट इज बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इंट्रोडक्शन है या उसकी जो डेफिनेशन है वो इसी के नाम में छुपी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि इमोशन को इंटेलिजेंटली कैसे यूज करना है. ठीक है, सेम इमोशंस को हम कितने इफेक्टिव वे से यूज कर रहे हैं, इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे है. चले, इमोशनल इंटेलिजेंस को बेसिकली बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है, बट जो ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, जॉन मेयर एंड पीटर, इन्होंने जो इसका मॉडल दिया है वो सबसे बेहतरीन है, बहुत इफेक्टिव है. वो ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट बेसिकली बेसिकली क्या है, चार स्किल्स की कमांड है. चार स्किल्स किसी को आ गई, ही एंड शी लर्न द इमोशनल इंटेलिजेंस. यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी चार स्किल्स हैं. नंबर वन है परसीव इमोशन, नंबर टू है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, नंबर थ्री है मैनेज इमोशन, एंड नंबर फोर है यूजिंग इमोशंस. इमोशनल इंटेलिजेंस इन फोर टेक्निक्स का, इन फोर स्किल्स का जो है एक मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, सबसे जो पहला स्टेप है, जो पहली स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो है परसीव इमोशन. नेक्स्ट, परसीव इमोशन से क्या होता है कि हमारे वी हैव अ फाइव
सेंसेस, ठीक है, जिनसे हम जो है चीजों को परसीव करते हैं, किसी की वॉइस, किसी को देखकर, टच करकर, सुनकर, सूंघकर, ये हमारे फाइव सेंसेस हैं जिनसे हम हमारे आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट दोनों को क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से महसूस कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले जब भी आपकी इमोशंस आपकी बॉडी के ऊपर एक तरीके से असर रखें, तो सबसे पहले आपने क्या स्टेप करना है, परसीव इट। आपकी बॉडी इज नेचुरल, ये कोई आप कॉन्शियसली काम नहीं करते, अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा खुद को क्लियर करना है कि यार ओके जस्ट रिलैक्स, व्हाट आई फील नाउ, व्हाट इज माय कंडीशन राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है परसीव इमोशंस का, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आप सबके लिए है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू बी हैप्पी। आप अपने फाइव सेंसेस को यूज करके खुद को कैसे हैप्पी रख सकते हैं, मेरा भी क्वेश्चन सुनिएगा, ये सबको आंसर भी करना है कि देखकर किसी चीज को देखकर आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज को छूकर आपको खुशी मिलती है, कौन सी चीज को सुनकर आपको खुशी मिलती है, या कौन सी चीज को सुनकर आपको खुशी मिलती है, और कौन सी चीज को आपको कितने हो गए हमारे पास, फोर हो गए, और महसूस करके खुशी मिलती है। तो इस तरीके से वन बाय वन करके मुझे आंसर दें के जो है इन फाइव सेंसेस को यूज करके आप खुद को कैसे हैप्पी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि मुझे रोज को देखकर एक खुशी मिलती है, जब मैं गुलाब के फूल को देख रही होती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत जो है खुशी वाली बात होती है, उसे देखकर मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरीके से अपने फाइव सेंसेस को यूज कर आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, टेल मी क्विकली क्लास। किसी ने कहा है कि माई पेरेंट्स के अलावा, so as I was actually saying that coming towards the sense of sight, I would say whenever I see my parents, it makes me happy. Next sense of touch, everything I like makes me happy whenever I touch them. And coming towards the sense of hearing, I would say that actually the ability to hear things makes me happy, that I am actually able to hear everyone. And then coming towards the sense of smell, the fragrances of perfumes makes me happy. And what remains, I think the sense of touch. So I would say food makes me happy. Whenever I touch the food, it makes me happy. Miss Amna, you want to respond to the question? If we start with heart, then it stands for the people with whom we like to share our things, जिनसे हमें मिलके अच्छा लगता है, जिनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है। प्रेगनेंसीज का होता है कि when we smell good तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम खुद भी खुद से सेटिस्फाइड होते हैं। दूसरों के साथ अगर हम बैठे होते हैं तो उनसे अगर अच्छी फ्रेगनेंस आ रही होती है, हमारे रूम में फ्रेगनेंसीज वगैरह होती हैं, तो वो हमारे जो है काफी अच्छा इम्पेक्ट डालती है हम पे। फिर हेयरिंग में होता है जैसे मेडिटेशन है, आप सुबह उठ के अगर पॉजिटिव चीजें सुनोगे, सॉफ्ट म्यूजिक सुनोगे, तो वो आपका मूड को फ्रेश करती हैं। फिर टचिंग में जैसे आपको वार्म ब्लैंकेट या कोई सॉफ्ट चीज, या फिर आपको कोल्ड वाटर लेना अच्छा लगता है, शॉवर लेना अच्छा लगता है, तो वो चीजें आप पे अच्छा होता है। और सीनरी, आईज रिलेटेड है सीनरी, कोई भी अच्छी सीनरी हम देखते हैं, हम घूमने जाते हैं, ग्रीनरी वगैरह होती है, वो भी हमारे मूड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो जो चीजें हमारे हमें मेंटली फ्रेश करती हैं, वो हमारी हैप्पीनेस की तरफ हमें लेके जाती है, ठीक है। जो भी सेकंड पॉइंट है स्किल का, नंबर वन था परसीव, परसेप्शन आपको समझ आ गया कि हमने अपने सेंस को यूज करके इमोशन को परसीव कर लिया कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेप है, वो है अंडरस्टैंड द इमोशंस, ठीक है। व्हाट यू फील, इमोशंस के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई आपको, काम, एंग्री, स्लीपी, सैड, हैप्पी, वर्ल्ड, शाय, कंफ्यूज, शॉक, बोर्ड, हर्ट एंड अफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हमें इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि राइट नाउ व्हाट आई फील क्या होता है। बाज़ोकात ऐसा होता है कि इमोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी गुस्सा एंड जेलसी साथ में हो रहे होते हैं, तो हम अभी पॉइंट आउट नहीं कर पाते कि मैं एंगर, मुझे भी मैं एग्रेसिव बिहेवियर शो करूं या आई एम जेलस, ठीक है। बाज़ोकात हमारे ओवरलैप होते हैं इमोशंस, एट दैट मोमेंट उसको एक मिनट के लिए रिलैक्स करके ये सोचना है के जो है बेसिकली मैं फील क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कर रही हूँ। इमोशंस के ओवरलैपिंग को, कॉम्प्लेक्सिटी को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि राइट नाउ विच इमोशन इज मोर। अभी आप कहेंगे कि मैम एक वक्त में हम दो से तीन इमोशन फील कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि एक वक्त में आप एक से ज्यादा इमोशंस को फील कर सकते हैं, बट एक वक्त में आप उन तीनों इमोशंस में से किसी एक को ज्यादा फील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड स्केल देते हैं 1 to 10, तो क्या होगा, 1 to 10 जब रेट स्केल देते हैं तो उससे ये होगा
कि अगर मैं अभी एंगर फील कर रही हूँ तो एंगर का मेरा है 5%, ठीक है. देन आई फील जेलस, तो जेलसी 9, ठीक है. तो अब क्या हो गया, मुझे रियलाइज हो गया कि एंगर तो है बट कौन सा इमोशन मुझ पर ज्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, जेलसी का है. तो यहाँ पर आ जाएगा अंडरस्टैंड द इमोशन. नेक्स्ट, ठीक है. अब थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड स्किल है जोन साहब ने बताई है, वो मैं ये बताई है कि मैनेज योर इमोशंस इफेक्टिवली. अब मुझे पता चल गया कि राइट नाउ आई एम अ जेलस, ठीक है, या राइट नाउ आई एम एंग्री. तो अब मुझे उस इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज करना है. देखें, मैं कभी ये नहीं कह रही कि उसको पी जाए, दबा दें या जस्ट रिलैक्स हो जाए, इग्नोर इट, माइंड को डाइवर्ट करें. नो, एट दैट मोमेंट अब मुझे इस इमोशंस को इफेक्टिवली कैसे एक्सप्रेस करना है या कैसे मैनेज करना है. थर्ड स्टेप इज दैट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. एंड जो फाइनल जो स्किल है या जो जो इस पूरी चारों स्किल का जो एक समरी है वो ये है कि यूजिंग द इमोशन. अब आपने परसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, मैनेज कर लिया, नाउ यू यूज इट. यहाँ पे आपको एक प्यारा सा एक मॉडल बना हुआ नजर आएगा कि इमोशन थॉट. अब जब इमोशन एंड थॉट मिल जाते हैं तो देन वो क्या जनरेट करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, हमारा बिहेवियर, ठीक है. तो बिहेव, इमोशन बिल्कुल क्विकली इफेक्ट करते हैं, थॉट उस पर क्या असर कर रही होती है, उसको एक डायरेक्शन दे देती है कि आपको अभी एक्सप्रेस किस तरीके से होना है. देन फिर वो हमारे बिहेवियर में शो होता है कि जिन जिन लोगों में ये चीज पाई जाती है कि दे लर्न दिस फोर स्किल, तो वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाए जाएंगे. दे नो कि हाउ टू यूज देयर इमोशंस. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट है, इनका नाम है डैनियल गोल्डमैन. रिसेंट जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, और उनकी एक रिसेंट बुक आई है जो बहुत बहुत पॉपुलर हुई है. नेक्स्ट, इनकी एक फेमस कोटेशन है जो उस पूरे बुक की समरी है. सॉरी, वे क्या, इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड, वन दैट थिंक एंड वन दैट फील. अब यहाँ पे उसने पूरे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक अलग डायमेंशन दे दिया. उसने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक माइंड नहीं है जो सिर्फ सोचता है, वी हैव एन अदर माइंड विच इज फील. समझ, ये दो माइंड का कॉन्सेप्ट देगा यहाँ पे कि हम सिर्फ सोचते नहीं है, हम कुछ डिसीजन ऐसे लेते हैं जो सिर्फ अपनी फीलिंग के बिना पे लेते हैं. तो अब यहाँ पे उसने कह दिया कि थिंकिंग एंड फीलिंग दे बोथ आर डिफरेंट, और हमारे जो डिसीजन होते हैं वो बाज़ोकात हमारी थिंकिंग के ऊपर होते हैं और बाज़ोकात हमारी जस्ट फीलिंग होती है, उनमें थिंकिंग नहीं होगी, ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है नेल्सन मंडेला साहब की. मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर मैंने बहुत सी एग्जाम्पल पढ़ी है, लेकिन इनकी थोड़ी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. आप सबको शायद पता होगा इनकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, के ये जो है अफ्रीकन लीडर हैं, अफ्रीका के लीडर थे, और इनको 27 ईयर जो है प्रेजेंट यानी उसमें रखा गया था कैद में. तो जब और वो बिल्कुल एक आइसोलेटेड आइलैंड पे थे, मतलब इस तरीके से उस कमरे में ना कोई इनका साथी था, ना कोई दोस्त, कुछ भी नहीं, जस्ट वन एंड अलोन, ठीक है. सॉरी, ठीक. तो हम क्या बात कर रहे थे, नेल्सन मंडेला साहब की बात कर रहे थे कि इनको 27 इयर्स की जो है कैद खाने में या प्रिजन में रखा गया था. तो जब वो अपना एक वक्त पूरा करके जब वो आए तो रिपोर्टर्स ने उनसे क्वेश्चन किया, सारा हाउ आर यू, ये सब चीजें हो गई, देन ही सेड फाइन. उसके बाद एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन कहा कि आपने क्या आप सोचते हैं या क्या आप कोई एक क्या ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको कैद करवाया या किया, या आपके क्या नेगेटिव फीलिंग्स रिलेटेड टू द पीपल जिन्होंने आपको कैद करवाया. तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत लाइन की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत गुड एग्जांपल है. उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं फिजिकली तो आ गया हूँ, अभी प्रेजेंट से बाहर आ गया हूँ, बट अगर मैं उन लोगों के बारे में एक मनफी राय रखता या कुछ ऐसा मनफी इमोशन रखता तो मैं शायद इमोशनली प्रेजेंट से नहीं निकल सकता था. तो इमोशनल प्रेजेंट तो मैं उसी दिन ही निकल गया था जिस दिन मैं कैद खाने में चला गया था. तो बेसिकली कहने का मकसद यहाँ पे नहीं है कि वी जस्ट फॉरगिव आवर एनिमीज और लाइक बहुत पॉजिटिव सोचना है, नॉट एट ऑल. मतलब खुद को आजाद करना है पहले, कि आपने टाइम एंड मौके पे अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बट जहां पे वो टाइम एंड मौके पे एक्सप्रेस नहीं करना तो उसको लेकर अपने माइंड पे इतना सवाल मत कर देना है कि हम
उस चीज के एक होता है उस अंडर दीज ग्लासेस वी डोंट सी द रियलिटी, ठीक है। तो अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल करना आना चाहिए हमें कि कब कहाँ कैसे कौन सा इमोशन हमें जो है एक्सप्रेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। ये एक रिसर्चेस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट जो पीपल होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग की पावर ज्यादा होती है, डिक्रीज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का लेवल उनमें कम होता है, वेलबींग के हिसाब से वो उन लोगों के मुकाबले उनका जो है वेलबींग जो है वो बहुत अच्छी होती है जिनके इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल इतना ज्यादा नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल्सो गुड एंड इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जिन टीम में देखा गया है अगर ज्यादा अच्छा है उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। ये एक रिसर्च बेस्ड है कि अगर टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट गुड इन स्किल्स, इट्स गुड बट उसमें एक्सीलेंट इज नॉट इन स्किल, बट उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त है तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बेस्ट चली जाएगी, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड देयर टीम मेंबर्स। तो उससे क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पे है कि लो लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी हमें खुद को ये देखना होगा कि एक टेस्ट लेना पड़ेगा। बाज़ोकात हमारी साइकोलॉजी में हम असेसमेंट टेस्ट लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस इमोशंस का या इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना लेवल जो है हमारे अंदर है, या हम हाई लेवल पे हैं, लो पे हैं या मॉडरेट पे हैं, ठीक है। तो अभी हम मैंने आपके लिए आपके साथ टेस्ट तो मैं शेयर नहीं करी, बट मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रही हूँ कि अगर ये चीजें हो रही होती हैं तो आप समझिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल आप में लो है। इमोशनल आउटबर्स्ट, बाद आपने ये सुना होगा कि जो लोग गुस्सा नहीं करते तो उनके बारे में मशहूर क्या होता है कि अगर जो है इनको गुस्सा आ जाएगा तो बहुत तेज आता है, वरना ये गुस्सा करते नहीं है, लेकिन साथ जब ये कभी करते हैं तो फिर इतना शदीद करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस तरह की बात शायद आपने सुनी होगी, फेमस भी है। तो इस यहाँ पे इसे कहते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट। क्या होता है कि जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते इन अ पॉजिटिव वे, इन अ हेल्दी वे, इन साइकोलॉजी देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी एंड हेल्दी एंड अनहेल्दी। तो जब हम अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस नहीं करते तो एक ना एक वक्त ऐसा आता है जिसमें इमोशंस को जो है निकलना होता है, एक्सप्रेस होना होता है, अदरवाइज हमारी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी, वरना जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाता है, इमोशनली आउटबर्स्ट हो जाता है। कैसे ना कहीं किस ना किस तरीके से वो इमोशन निकल रहा होता है। तो अगर जिन लोगों में इमोशनल आउटबर्स्ट ज्यादा है हो रहा है तो मे बी इनका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल जो है वो लो है। नेक्स्ट, ओके, वी मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, या दैट इज डिफिकल्टली लिसनिंग अदर्स। अच्छा, जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का लो कम लो लेवल देखा गया है वो लोग दूसरों को नहीं सुनते, डिफिकल्ट टू लिसनिंग अदर्स, बिकॉज उनको पसंद ही नहीं है कि कोई उनके बारे में या उनकी बात से हटके बात कहे। तो वो क्या होता है कि अगर वो किसी की बात सुन भी रहते हैं तो वो उस बात को क्लियरली नहीं सुनते, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट उनके मिस कर जाते हैं, ऐसा होता है कि उनके यहाँ पर एक छन्नी जिसे हम कहते हैं वो लगी होती है, तो उसका ये होता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनकी चीज काम की होती है वो तो ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, बट द इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम तो वो उसको जो है उसको एवलुएट नहीं कर रहे होते कि भाई दिस इज इट इज गुड और नॉट। वो क्या कर रहे होते हैं कि स्पेसिफिक इमोशंस को, स्पेसिफिक लोगों की बातों को सिर्फ सोचते हैं, अदरवाइज होल पिक्चर्स को वो नहीं देखते। तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि वो दूसरों की बात या उनके आर्ग्यूमेंट्स को गौर से नहीं सुनते, दे अवॉइड। नेक्स्ट, ओके, थर्ड वन इज दैट ब्लेमिंग अदर्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जिन लोगों में लो देखा गया है उनमें ये चीज बहुत ज्यादा वाजे होती है कि वो हमेशा ना किसी और को ब्लेम देते हैं, लाइक उसका फॉल्ट था, उसका फॉल्ट था, इन्होंने ऐसे किया तो मैं आज ये हूँ। बिकॉज क्या है कि उनमें डिसीजन मेकिंग की कमी है। जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को बोल रहे होते हैं शुड आई डू दिस और नॉट, ये करूँ या नहीं करूँ, आप क्या कहते हो। अगर किसी ने कहा हाँ भी आप ये करो तो जब वो कर लेते हैं वो काम, लेकिन जब बाद में दे फील कि भाई इट्स नॉट गुड, या ये हमारे लिए काम सही नहीं था, या ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी, तो अब वो क्या करते हैं, दे ब्लेमिंग द अदर। क्योंकि डिसीजन पावर अगर लो है तो डिपेंड करते हैं दूसरों के डिसीजन पर, और जब दूसरे को डिसीजन देते हैं जब वो चीज उनके फेवर में नहीं जा रही होती है, एट द टाइम दे ब्लेमिंग द अदर। व्हेन यू ब्लेमिंग द अदर तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, तो आप चीजों को उस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जिनमें लो देखा गया है वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स। नेक्स्ट,
ओके, फोर पॉइंट है डिफिकल्टी मैनेजिंग रिलेशनशिप. इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जिनमें लो देखा गया है वो अपने रिलेशनशिप को वो इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते. उनमें देखा जाएगा कि उनके कहीं न कहीं पर रिलेशनशिप इशूज ज्यादा होंगे. वी ऑल हैव रिलेशनशिप इशूज हमारी लाइफ में. हमारे रिलेशन के साथ ऐसा नहीं कि हम गुड ही गुड है, सबके साथ अच्छे रहते हैं. या इमोशनल इंटेलिजेंस, जिन इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई होता है वो लोग जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनमें रिलेशनशिप मैनेजिंग इश्यूज नहीं रहते. नो डाउट एवरी रिलेशनशिप वी हैव डिफरेंट इश्यूज, बट जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है उनमें ये चीज देखी गई है कि रिलेशनशिप इश्यूज ज्यादा होते हैं. वो क्या होता है कि वही चीज के ब्लेमिंग द अदर, किसी की बात को आप सही तरीके से सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि अगला अदर पर्सन उसे क्या चाह रहा है या वो क्या कहना चाह रहा है. सो तो उनके रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट. ओके, रिफ्यूजिंग टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, लेकिन आप जहां पे जो ये वाला पॉइंट है इसको समझने की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल जिन लोगों में लो देखा गया है उनमें ये चीज देखी गई है कि वो अगले अदर पर्सन के इमोशंस को नहीं समझ पाते. वाई, क्या होता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते. देखें, अगर आप जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. एक साइड पे है कि सिक्स, अदर साइड पे एक पर्सन कह रहा है कि नो इट्स नाइन. ठीक है, दोनों अपनी जगह सही कह रहे हैं. अगर हम पूरी हॉल पिक्चर को देख रहे हैं दे बोथ आर राइट. बट क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एक साइड से देखें तो वो जो सिक्स है वो सिक्स है, इट्स नॉट अ नाइन. बट अगर हम राइट साइड से देखें तो इट्स नाइन. सो अब यहाँ पे क्या चीज है कि हम अगले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते. भी जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो देखा गया है उनमें ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि वो क्या करते हैं कि सी, यहाँ सी के हम बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि एक्सेप्ट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. नो, हम ये चाह रहे हैं कि एक तरफ से आप सोचें यार ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली व्हाट इज थिंग बिहाइंड हिज थॉट्स या बिहाइंड हिज इमोशंस. तो इस चीज को हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू. जब हमारे 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 इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है तो बाज़ूकात हम क्या चीज कर रहे होते हैं, अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी नहीं करते. एक तो उनको सुनना या वो तो एक बहुत बात की बात है, लेकिन एक होता है उसको सिर्फ एक तरीके से एक्सेप्ट करना कि यार दिस इज अ डिफरेंट पर्सन एंड हमारी थॉट सेम नहीं हो सकती. तो यहाँ पे देखा गया है कि जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है वो किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते या मोस्टली इसको रिफ्यूज कर देते हैं. नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे एक ब्रेन स्ट्रक्चर है, आप सबको शो हो रहा होगा. यहाँ पे थ्री कलर्स है, आप सिर्फ कलर्स पे ध्यान दीजिए, इसकी वर्डिंग पे बिल्कुल मत दीजिएगा, इट्स नॉट अ न्यूरोलॉजी. जस्ट कलर्स पे ध्यान दीजिए कि रेड, ब्लू एंड ग्रीन. जो रेड एरिया है वो जस्ट मैसेजिंग आने का एरिया, जहां से मैसेज हमारा ब्रेन को रिसीव होते हैं. ठीक है, जैसे गर्म चीज पे हाथ पड़ जाता है जब हमारा, तो हम फौरन अपने हाथ को हटा देते हैं. वाई, क्योंकि वो इतना जल्दी हमारा ब्रेन उसको प्रोसेसिंग कर रहा होता है, वो सिर्फ इस रेड एरिया पर ही सिग्नल जाते हैं और वहीं से हमें आंसर मिलना शुरू हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट, इससे ऊपर जो एक एरिया बना हुआ है ब्लू कलर का, इसका इमोशनल इमोशनल स्टेट, या यहाँ पे इसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जहाँ पे हमारे सारे इमोशंस को रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, जब हम एंगर में होते हैं हम बहुत फौरन से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, या चिल्ला रहे होते हैं, या किसी को कुछ बोल देते हैं, या अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो हम फौरन यहाँ से हमारे ब्रेन को सिग्नल रिसीव होते हैं और देन वो हमारे एक्शन में चले जाते हैं. उसके बाद थर्ड है, जो ग्रीन एरिया है वो है प्रीफ्रंटल लोब्स या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कहा जाता है. इसका बेसिकली काम जो होता है एग्जीक्यूटिव पर काम होता है, ये सीईओ ऑफ है हमारी बॉडी का. बेसिकली इसका काम है सिग्नल देना और लेना रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ थिंकिंग. ठीक है, इसके जो इसका जो होता है प्रोसेसिंग काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, ये हमारी बॉडी को ये चीज सिग्नल देते हैं. लेकिन जब हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है तो हमारा ब्रेन जो है सिर्फ इस ब्लू एरिया से ही सिग्नल पास कर रहा होता है, ये ग्रीन एरिया तक जाता ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम उस तरीके से सोचते ही नहीं है. जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल हाई देखा गया है उनमें ये चीज देखी गई है कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा उस वक्त जो है काम कर रहा होता है. वाई, क्योंकि वो उस जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं पूरे ब्रेन को इफेक्टिवली यूज करके अपना एक्शन दे रहे होते हैं. तो उनके जो एक्शन होता है और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं और उनका थिंकिंग प्रोसेस होता है उनमें बहुत खूबसूरत या बहुत बेहतरीन तरीके का कोलैबोरेशन होता है. तो आई होप कि आपको ये थोड़ा ब्रेन स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से जो है हमारी थॉट जो है प्रोसेसिंग होती है. नेक्स्ट.
Okay, writing a thank you letter to yourself. This is an activity for you guys. I think it is not possible right now, but ये activity है और इसका feedback मैं आपसे जरूर लूंगी कि आप अपने आप को एक gratitude का letter जरूर लिखे. आपने कभी खुद को thank you नहीं बोला होगा. I don't think क्या बोला भी होगा. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुद को appreciate करते हैं. तो अगर आपने नहीं बोला तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, दिस इज होमवर्क, आप समझ लें. अपने आप को एक थैंक यू लेटर लिखना है जिसमें आपने अपने आप को हर उस चीज के लिए थैंक यू करना है जो आप करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं किया. किस चीज में भी यू सेक्रीफाइस लॉट ऑफ थिंग फॉर योर सेल्फ बट आप नहीं कर पाए, तो एक खुद को एक सॉरी कहकर और थैंक यू करना है कि आप इतना पेशेंसली अपने साथ चले. इसके अलावा आप जिस तरह चाहें अपने आप को थैंक यू बोल सकते हैं उस लेटर में. सो दिस इज डू दिस एक्टिविटी एंड आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन आई टेल यू what is the reason behind this activity. Okay, next. Okay, repressed memory. अब यहाँ पे जो ये इस एरिया को समझने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है कि repressed memory क्या है. Repressed memory basically वो emotions हैं या वो thoughts हैं जिनको हम ना चाहते हुए या किसी reason की वजह से express नहीं कर पाए. बाज़ोकात क्या होता है कि जब हमारा हम बहुत से इमोशंस हमारे से दिल रूटीन में गुजर रहे होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम क्या कर रहे होते हैं उनको दबा देते हैं या उनको बस ये कर लेते हैं कि डाइवर्ट कर देते हैं. अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है. अगर जेलसी हो रही है तो भी खुद को ये समझा रहे हैं कि नो जेलसी इज अ नेगेटिव फीलिंग, वी डोंट डू दिस, ये वो, इस तरीके से खुद को बहुत पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं और उस इमोशंस को एक्सप्रेस होने ही नहीं दे रहे. उसको हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे होते हैं या हम उनको उसको डाइवर्ट कर देते हैं अपनी थिंकिंग. तो इससे क्या होता है कि वो इमोशन खत्म नहीं होता, वो रिजोल्व नहीं होता, वो मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी से या आपके ब्रेन से वैनिश नहीं होता. वो एक स्टोर रूम है हमारे ब्रेन के अंदर जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहां चला जाता है, वो वहीं पर सेव हो रहा होता है. तो जो यहाँ का जो एरिया है जिनमें इमोशनली डिस्टर्ब लोग देखे जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल लो होता है, उन्होंने ज्यादा अपनी लाइफ टाइम में रिप्रेस्ड मेमोरी ज्यादा की होती है. बहुत सारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया होता, उन्हें दबा के रखा होता है, जिसकी वजह से वो इमोशनली इतने एबल नहीं होते कि अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सके, ठीक है. तो इस एरिया को जरा समझिएगा कि रिप्रेस्ड क्या है. रिप्रेस्ड मेमोरी से क्या मतलब है कि हमारे वो इमोशन जिन्हें हम एक्सप्रेस ना कर पाए हों. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज आ रही है एग्रेशन. जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते तो कौन सी चीज ज्यादा हिट करती है, वो एग्रेशन का इशू ज्यादा हो रहा होता है. क्या एंगर को हमने किसी जगह पे एक्सप्रेस नहीं किया हो लेकिन वो एंगर उसको निकलेगा, कहीं ना कहीं निकलेगा, हमारा बिहेवियर एग्रेशन वाला हो जाता है. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और इशू क्या है कि मैम हमारे बच्चे को बिला वजह गुस्सा आ जाता है, बिला वजह कुछ बोलो नहीं तो उनका ऐसा रिएक्शन हो जाता है, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं जिसपे इस छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी. असल में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, उनके बच्चों ने कुछ ऐसे इमोशंस हो गए जिनको क्या किया हुआ है, रिप्रेस किया हुआ है, बिल्कुल उनको एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो इमोशन एग्रेशन की सूरत में बाहर आ रहे हैं. नेक्स्ट, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो है पॉइंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कैसे, इमोशनल इंटेलिजेंट हम कैसे बन सकते हैं, तो उसके हवाले से ये पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस. ये चीज है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट में थोड़ा स्पिरिचुअल या मेडिटेटिव वे पे नहीं लेते जा रही, मैं बिल्कुल रियलिटी पे बात कर रही हूँ गाइस, जो हम सब कर सकते हैं. अभी आप सब लोग जिस पोजीशन में बैठे हो, ये एक्टिविटी इसको समझ रहे हैं. नेक्स्ट, जिस पोजीशन में आप सब लोग बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, जो भी जिस पोजिशन में आप लोग हैं, यू नो दैट कि मैं इस पोजिशन में हूँ, राइट, कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं ये जानती हूँ, 45 मिनट से मुझे पता है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. लेकिन जब मैंने खुद को एक मिनट के लिए सोचा कि हाउ आई एम सिटिंग, मेरा बिल्कुल ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो गया. अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने एक कुर्सी के ऊपर या चेयर के ऊपर एक वजन रखा हुआ है, मेरा हैंड नाउ फील द प्लास्टिक ऑफ दिस चेयर, या मैं जब मेरे क्लोथ पे हाथ लग रहा है तो मैं अंदाजा कर सकती हूँ कि मेरे क्लोथ का जो फाइबर वो क्या है, या मैंने उस दौरान अपने फेस को टच किया तो नाउ आई सेंस माई फेस क्या मैं फील कर रही हूँ. अब आप भी जहां जहां पर होंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए खुद को उस चीज में रखें. अगर आपके हाथ में पेपर पेन है तो आप उसको जरा देखें कि आपने किस तरीके से होल्ड किया हुआ है. इस एक मिनट की थिंकिंग की एक्टिविटी को आप देखिएगा, हमारा ब्रेन बिल्कुल अलग ले जाता है. उस सेम एक्शन को हमने बहुत डिफरेंटली देखा या बहुत डिफरेंटली फील किया. तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप मोमेंट टू मोमेंट अपने आप अपने एक्शन के अवेयर रहें कि मैं क्या हूं. सिर्फ बैठने का एक सिंपल एक्शन, व्हेन यू अवेयर ऑफ दिस
तो उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, आपके बैठने का जो मजा या लुत्फ है वो बढ़ जाता है। इस तरीके से जब आप कुछ खा रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा उसको फील करके खाएं कि वाह बना हुआ मीठी, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, आप नहीं कोई उनको बनावटी काम करेंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली योर ब्रेन वर्क लाइक दैट कि उस खाने की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इससे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट, जब भी यही एक्टिविटी थी कि आप जब जहां जैसे बैठे हुए हैं सिर्फ उस पोजीशन को फील करें, एंड नाउ योर ब्रेन वर्क डिफरेंटली। अच्छा, इसमें चीज है कि अब यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और इमोशंस का क्या ताल्लुक है। सेल्फ अवेयरनेस हमें ये चीज रियलाइज कराती है कि राइट नाउ व्हाट आई एम फील, ठीक है, अभी खुद को एक चीज आप में यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि कभी भी अपने इमोशंस को पॉइंट आउट न कीजिए, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नो पॉजिटिव, एवरी इमोशन इज नेसेसरी फॉर अस। जिन्हें हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं एंगर, जेलसी, आपको पता है ये इमोशंस हमारी हिस्ट्री में हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत काम आते हैं, कि जब हमारा हमारी इस वर्ल्ड में स्पेशीज का जो एरा था, हमने जो ये देखी हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें क्या होता है कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, अगर ये इमोशंस नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, देयर इज द रीजन बिहाइंड इट, एवरी थिंग इज द ब्लेसिंग। इसको जरा इस सेंस में जब आप कोई भी इमोशंस आपके आपको फील हो रहा हो उस पर अपने आप को अवेयर करें कि या राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, डोंट पॉइंट आउट द इमोशन, दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ यूजलेस इन्फॉर्मेशन, लेट मी पॉइंट आउट दिस इमोशंस, दे ऑल आर बेनिफिट फॉर अस, बट वी लर्न हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू रेगुलेट दैम। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने का या स्किल को जानने का, वो ये है कि लिसन द फीलिंग, कोई भी फीलिंग अगर आपको हो रही है उसको जरा सुने। इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगी, एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है, वो जो है एक बीच पर रेती का एक उसने बहुत रेत का बहुत प्यारा सा महल या घर बनाया हुआ है, अचानक पानी की लहर उसके ऊपर आ जाती है और वो पूरा रेत का जो घर है वो बिल्कुल जो है टूट जाता है या बिखर जाता है। तो अब वो बच्चा रो रहा है, ठीक है, आपको कह रहा है कि भाई जो है मेरा ये घर जो है इस तरीके से खराब हो गया या बह गया। एट दैट मोमेंट यू डोंट यू नो, उसको भी मोटिवेशन की नींद नहीं है, बाबा हम क्या करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, आप बना लो, दूसरा बन जाएगा, थोड़ा सा हटके बनाओ कि पानी की लहर ना आ जाए आपका फिर से ना बिखरे, हम ये मोटिवेशन देते हैं। यही सेम काम आप अपने साथ कर रहे होते हैं कि जब भी कोई ऐसा इमोशन हमें अफेक्ट कर रहा होता है, सैड का, एंगर का, जेलसी का, तो हम क्या कर रहे होते हैं उस पर खुद को मोटिवेशन दे रहे होते हैं, नो 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 डू दिस डू दैट डू दैट दिस, इस तरीके से खुद को जो है बहला रहे होते हैं। उस वक्त हमें खुद को बहलाना नहीं है, जस्ट लिसन द फीलिंग, आपने क्या करना है उस बच्चे से बोलना है, अच्छा बोलो बेटा क्या फील कर रहे हो, वो आपको बताएगा, नाउ आई एम फीलिंग वेरी सैड, मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, इतना प्यारा बनाया था, आप देखे ना मेरा पूरा बह गया, सारा बह गया, कुछ नहीं बचा। जस्ट लिसन द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड। सेम इसी तरीके से जो भी आप फील कर रहे हो ना, तो पहले अपने आप से बोले या व्हाट आई एम फील, लिसन इट, कि आपके उस वक्त आपके ब्रेन में क्या थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स को आपके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। अगर यू फील जेलस यू टेल देम, या आई फील जेलस टू दिस वन, या आई फील दिस, इस तरीके से। अगर एंगर का आ रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, अच्छा कोई सैडनेस का है, रोना आ रहा है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रोऊं, तो खुद को उस वक्त नहीं समझाना कि नहीं 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 यू आर स्ट्रॉन्ग डोंट डू दिस। जिस वक्त जो फीलिंग आ रही है, सबसे पहले आपने वहां पे खुद को सुनना है। जब आप खुद को सुनते हैं उससे क्या हो जाता है कि अब आपको सेकेंड स्किल वो ऑटोमेटिकली आती है कि अब आपको करना क्या है, या अब आपको कौन सी मोटिवेशन की पिल खुद को देनी है। बट फर्स्ट यू लिसन देम, डोंट इग्नोर देम, डोंट हाइड देम कि भाई मैं इस इमोशंस को जो है नहीं देख रही या नहीं सुन रही। नेक्स्ट, एक्सप्रेस इमोशन इन अ हेल्दी वे। जब आपने सेल्फ अवेयर हो गए, सेकंड पॉइंट इमोशंस को आपने सुन लिया, लिसन कर लिया कि मैं क्या फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, देन द थर्ड जो है एक्सप्रेस इमोशन इन अ हेल्दी वे। मैं आपसे हमेशा ये कहूंगी इन अ साइकोलॉजी पार्टिसिपेंट्स और द क्लाइंट, दैट आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो ना उन्हें एक्सप्रेस कर। साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू ही वहां से होते हैं जहां से हमने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, जहां पे हमने अपने इमोशंस को दबाया है वहां से हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो अपने इमोशंस को बिल्कुल एक्सप्रेस करें, दे दिस इज द एनर्जी, खुद ना एक फ्यूल है आपके लाइफ के अंदर, उसको अभी आपने एक्सप्रेस करना इन अ हेल्दी वे। अगर गुस्सा भी आ रहा है तो उसको दबाना नहीं है, उसको हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना है। खुश है तो खुशी को भी एक्सप्रेस करें, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है।
अगर बोर्ड फील कर रहे हैं डू द ऑल वर्क व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है, इस तरीके से जो आप करना चाह रहे हैं उनको एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को कभी भी सुप्रेस ना करें। उससे क्या होगा, आप क्या होंगे, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, आपको ये लगेगा कि नो राइट नाउ आई डाइवर्ट माई माइंड। ऐसा होगा कि वक्तन वक्तन आपको एक अंदर से सिग्नल मिलेगा कि नो यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर प्रिटेंड टू बी ओके बट यू आर नॉट ओके। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई हाउ टू मैनेज योर एंगर। एंगर अगर आपको उस वक्त आपने क्या क्या करना है, जैसे डीप ब्रीथिंग है, उसमें कुछ एक्टिविटी है, उस कंडीशन से थोड़ा निकल के चले जाना है, या यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जब आपको एंगर एंगर इश्यूज होने शुरू हो जाए देन डू दिस एक्टिविटी, उससे क्या होगा आपका एंगर एक हेल्दी वे में मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे है टिप्स फॉर एंजाइटी, व्हेन यू फील एंशियस, तो अब आपने ये छोटी सी एक्टिविटी है आप करेंगे, इससे आप काफी रिलैक्स फील करेंगे, जिसमें कुछ पेंट आ रहा है कि आपको कुछ ड्रॉ करके खुशी मिलती है, डू दिस किसी की हेल्प करके, किसी से आस्क फॉर हेल्प, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, किसी से आप हेल्प ले लेंगे, नाउ आई डोंट फील राइट नाउ ओके, ड्रिंक अ वॉटर। उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज हैं जिनको आप करके एंजाइटी को एक हेल्दी वे में मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा व्हेन यू फील डिप्रेस डू दिस एक्टिविटीज, जब आप डिप्रेस फील कर रहे हो तो आप ये एक्टिविटी करें। अकॉर्डिंग टू मी डिप्रेशन इज नॉट के डिप्रेशन आपको जब होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं करते, आप लेटे रहते हैं। डिप्रेशन का जो पर्सन होता है वो वर्किंग भी नॉर्मल करता है, जो उसके काम है वो सब करता है, बट उससे क्या होता है वो खुद एक एनर्जी फील नहीं करता। 9 to 5 उसका जो काम है, जो ऑफिस वर्क है, जो है वो सब वो कर रहा होता है, स्कूल वर्क जो भी है, बट वो अपने अंदर एक एनर्जी फील नहीं करता कि जिससे वो काम करके उसे खुशी मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप अपने मनपसंद काम नहीं करते जिनको आपको करके खुशी मिलती है तो यू आर डिप्रेस्ड। ठीक है, साइकोलॉजी में ये चीज को वाजे किया गया है कि डिप्रेशन जब आपको होता है, आप ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, डोंट यूजलेस टाइप पर्सन कि आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे सो रहे हैं, ये एक होता है, ये तो बहुत लो लेवल का डिप्रेशन है। जो हाई लेवल का होता है उसमें आप हाई फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, ईच एंड एवरी थिंग आप अपने टाइम पे देते हैं, बट उन एक्टिविटीज से आप पीछे हट जाते हैं जिनको करके आपको खुशी मिलती है। तो जब वेन आप जब इस तरीके से फीलिंग आए, डिप्रेस फीलिंग आए, डू दिस एक्टिविटी जिसको आपको करके ना खुशी मिलती है, कुछ नहीं मिलता, जिससे पैसा ना आ रहा हो, जिससे कोई बेनिफिट ना आ रहा हो, बट वेन यू डू दिस यू फील हैप्पी टू डू दिस, तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिप्रेशन है उस डिप्रेशन की जो एनर्जी है वो उस काम में डाइवर्ट हो जाएगी और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में लाएगी। नेक्स्ट। ओके, थेरेपी। जब भी इमोशंस को मैनेज को कोशिश करें कि खुद कर सके, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं क्या कह सकते हैं हम एक्सप्रेस कर पाते, तो एट द टाइम वी नीड अ थेरेपी। तो थेरेपी के लिए हमें जाना चाहिए, या हमें वो चीज एक तरीके से आप ये कह लें कि आस्किंग फॉर हेल्प है कि आप किसी से जाके अपनी चीज शेयर करो कि नाउ व्हाट शुड आई डू। ठीक है, थेरेपी मोस्टली पीपल व्हेन कम टू मी एंड दैट मैम दवाइयों के बगैर कैसे इलाज होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि दवाइयों के बगैर वाकई में इलाज कैसे होता है। सो जिस तरीके से हम मोस्टली कहते हैं कि कुछ वर्ड्स हमें बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारा मूड कैसे चेंज हो जाता है, हमारी एक्शन कैसे चेंज हो जाते हैं, हमारा पूरा हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है किसी ने कुछ हमें कोई कमेंट दे दिया। सेम इसी तरीके से जब आप थेरेपी में जाते हैं, थेरेपिस्ट है वो आपकी थॉट के ऊपर इस तरीके से अटैक करता है, वो कुछ ऐसे हीलिंग वर्ड्स यूज करता है, कुछ ऐसे हीलिंग थॉट्स आपको बताता है जिससे आप में हीलिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो उससे ये होता है कि आप एक बहुत खुद को आउट बहुत ही ज्यादा ना बर्डन आई समझते हैं जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। थेरेपी सिर्फ थेरेपी का एक सिंपल काम है, व्हेन यू आर फील ओवर बर्डनाइज फॉर योर इमोशन फॉर योर थॉट विच यू डोंट एक्सप्रेस, जिनको आपने अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं किया हुआ, जब आप थेरेपी में जाते हैं यू नो how to resolve them, how to express them effectively in healthy way. उससे क्या होगा, आपने अपना काम करना है, आपने अब उस emotions को healthy way में express करेंगे, जैसे आप healthy way में अपनी चीजों को express करेंगे automatically you guys feel relaxed. आपका burden क्या होगा कि अब कुछ कम हो रहा है, feel relaxed now, feel easy. ठीक है, तो therapy का basically काम आपको एक direction देना होता है, otherwise you guys do your work very well. और जो उसके therapist के अलावा जो next therapist होता है वो इंसान खुद होता है अपना, कि अब उस थेरेपी को उस गाइडलाइन को किस तरीके से खुद पे इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट। ओके, नाउ जो है प्रेजेंटेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक ये छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देनी थी रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस।
यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम एंड एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. मैम आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम लिसनिंग टू योर इमोशंस. यू डिस्क्राइब दिस फर्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आई हैव मेनी टाइम फील दिस टाइप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. लाइक आई ऑफन लिसन टू माई इमोशंस. How I am feeling, like I am very angry, I have been angry and everyone is watching me and I am going to out of my own control. So how at that point when we are listening to our emotions, how should we deal our emotions that we come in normal position and we do not damage our body, our mental and our emotions? जी फुरकान, आई अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. फुरकान कहना चाह रहे हैं कि हमारे इमोशंस यूं काम करते हैं, एक मिनट में हमें सोचने का ही टाइम नहीं मिलता, उनको लिसन करने का ही टाइम नहीं मिलता कि हम जो है किस तरह गुस्सा आ रहा है तो मैं बैठ के एक घंटे का नहीं सोचूंगी कि मैंने पहले इसको परसीव करना है, देन अंडरस्टैंड करना है, देन मैनेज करना है, देन यूज करना है. हमने फौरी अपना रिएक्शन दे दिया. बट क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा ब्रेन को ट्रेन करते हैं, थोड़ा सा जब भी हमें कोई इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो, उसको एक कॉन्शियसली बोला कि नहीं अभी थोड़ा सा मुझे ठहर के फिर रिएक्ट करना है, उससे क्या होगा कि ये थोड़ा ट्रेनिंग प्रोसेस है. एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन अब ये ऑटोमेटिकली करना शुरू होगा. बहुत बाजों का ऐसा होता है, हम जब मोबाइल पे कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे तो हमें मुश्किल था कहाँ पे कौन सा वर्ड है, बट नाउ वी आर यूज टू दिस राइट. इससे हमारे ब्रेन ने क्या सीख लिया है कि कौन सी चीज कहाँ पे वो खुद डायरेक्शन देता है. तो स्टार्टिंग बहुत मुश्किल होती है कि मैं कैसे अपने इमोशंस को बैठ के इतने सारे प्रोसेस लेकर रिएक्शन, हम तो यूफोरी कर रहे होते हैं जितना एक पानी में छोड़ दी जाए तो किस तरीके से फैल जाती है. बट क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप करना है. कोई भी चीज आप पे तारी हो, आपने सिर्फ रिएक्ट करने से पहले इतना सिर्फ कहना है कि नाउ व्हाट आई फील, बस खुद से एक क्वेश्चन कि अभी मैं क्या महसूस कर रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही अगर गुस्सा आ रहा है तो गाली ना दे, ना ना, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त फौरन पूछ लेना क्यों आ रहा है, दैट्स इट, क्या मैं फील कर रहा हूँ. ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन इतना ट्रेन हो जाएगा कि आपको जब आप रिएक्ट करेंगे तो मैं इतना जानती हूँ कि वो जो रिएक्शन होगा वो इफेक्टिव होगा, वो हेल्दी होगा, ठीक है, वो कोई नेगेटिव चीज के जमरे में नहीं जाएगा. तो जो है बिल्कुल इमोशन बहुत जल्दी काम करते हैं, बट हमने क्या करना है, अपने आप से अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन करना है और ये बोलना है कि राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, अपनी इन फीलिंग्स को मैं इफेक्टिवली कैसे यूज करूं, दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टैंड फरकान. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. सो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. Hello, am I audible? Okay, ma'am, I have asked the question, Mr. Manjar. I have a question that how can different minds of people effectively manage and regulate their own emotions, especially in challenging or we can say high pressure situations? Mother, can you please repeat your question? Yes, ma'am. I was asking about that. How can different minds of people effectively manage and regulate their own emotions, especially in challenging and high pressure situations? Okay, ठीक है. मज़र आपका क्वेश्चन है कि जो है डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें और वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में. चैलेंजिंग सिचुएशन के इमोशंस के लेवल होते हैं वो यहाँ तक होते हैं, या तो बहुत डाउन होते हैं या वो बहुत हाई लेवल के होते हैं. तो जब आपको इमोशंस को मैनेज करना, सबसे पहले तो खुद को ये कहना है कि मुझे एक्सप्रेस करना है. अगर गुस्सा भी आ रहा है या कोई और इमोशंस हैं जेलसी के या सैडनेस के या डिप्रेशन के, सबसे पहले ये चीज है कि मुझे इनको दबाना नहीं है. जो मैं फील कर रहा हूँ वो मेरी बॉडी से दिखना चाहिए, वो एक्सप्रेस होना चाहिए कि राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है. सेकेंड चीज जो है इमोशंस को आपने क्या करना है, एक वक्ती तौर पर खुद को एक पोज देना है कि राइट नाउ व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है. पोज बहुत जरूरी है. पोज बोले तो क्या है, पोज ये है कि साइकोलॉजी की फर्स्ट एड किट है. जिस तरीके से हमारे घर में एक फर्स्ट एड किट होती है जिसमें सनी क्रास या पैनाडोल की चीजें वगैरह ये होती हैं, इसी तरीके से एक साइकोलॉजी की फर्स्ट एड किट है कि जो भी इमोशन आपको बोदर करे या बहुत डिस्टर्ब करे जो चैलेंजिंग सिचुएशन में, उस वक्त आपने एक सेकेंड का पोज लेना है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है. अब हेल्दी वे में कैसे करें, अब वो डिपेंड करता है कि अभी कौन सा इमोशन आप फील कर रहे हैं.
एंगर का फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो या बहुत ज्यादा एंशियस हो, अब ये डिपेंड करता है इमोशन की कंडीशन के ऊपर, तो कौन सा इमोशन है नाउ, अब मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, इमोशन थिंक एंड देन रिएक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऑलराइट मैम, थैंक यू. थैंक यू बेटा. So, all right. Thank you so much, ma'am, for your wonderful session on emotional intelligence. And thank you so much for giving your time. Thank you so much. All right, participants, thank you so much for joining. That's all from our today's session. Next time, we will come up with another session in coming days. So, till now, that's all from our today's session. Thank you so much for joining. Allah Hafiz. Allah Hafiz.